पूरे जम्मू शहर में बिजली और पानी की त्राही त्राही मची हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू शहर के 75 वार्डों में पानी की सप्लाईज बुरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या आपको मालूम है कि बिजली और पानी की वजह से जम्मू शहर में कितनी त्राही त्राही मची हुई है? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या कारगर्दगी रही है? आज आपको मैं बिजली विभाग पीडीडी की प्राइवेटाइजेशन के बाद और पीएचई विभाग की एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि पीएचई डिपार्टमेंट के पास जेईस एईस की स्टाफ की कमी आ गई है और जम्मू शहर में जेईस का स्टाफ ही नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद भर्ती नहीं हुई। आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत रोजगार किया, लेकिन यहां तो विभागों में कर्मचारी ही नहीं है, जेईस एईस नहीं है, शॉर्टेज हो गई है। और यहां तक पीएचई का विभाग है, सारा डिफंक्ट कर दिया इसको आपने जल शक्ति विभाग बनाने के बाद और जम्मू नगर निगम के साथ अटैच करने के साथ आपने जम्मू पीएचई का विभाग, जम्मू कश्मीर का विभाग डिफंक्ट कर दिया और सत्यानाश कर दिया आपने। ना पीएचई विभाग के पास जितने भी टैंकर्स हैं थे वो सारे कंडम हो गए हैं, लोगों के घरों में एक एक हफ्ते से पानी की सप्लाइयां ठप पड़ी हुई हैं और कई टैंकर्स की सप्लाई नहीं आई। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी जो मांग थी कि अखनूर से पानी ला करके चिनाब का पानी जम्मू शहर को प्रोजेक्ट का बनाया जाए और अखनूर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे काम शुरू करके जम्मू शहर के लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि तभी का पानी जम्मू शहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया और अखनूर चिनाब पावर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी ठप कर दिया एलजी साहब आपकी सरकार ने। उसके बाद आपने बिजली की प्राइवेटाइजेशन की, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपे, हमारे ऊपर प्रीपेड रिचार्जिंग मीटर थोपे और आज हाल यह है कि लोगों को बिल नहीं आ रहे, कितना पैसा जमा हो रहा है, कहां जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और जो आपकी साइट्स हैं बिजली विभाग की, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ना ही आपकी जो साइट्स हैं जी स्मार्ट और वो बीएस स्मार्ट, पीडीडी स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर की जो साइट्स हैं वो ऑपरेटर्स को पैसा नहीं देने की वजह से उन्होंने आपको काम करना बंद कर दिया है। और आपके विभाग के कई, बिजली विभाग के एक्सियन एडब्ल्यूज जेईस नीचे से लेके ऊपर तक पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी पीडीडी के सब स्टेशंस हैं या स्टेशंस हैं वहां पे उन्होंने, ऊंचे अफसरों ने अपने स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी बिजलियां डायरेक्ट बाहर से पास कर ली हैं, इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। और लोग पैसा जमा करा रहे हैं, किस खाते में जा रहे हैं, ना लोगों को कोई एसएमएस आता है कि आपका इतना पैसा बना है, आपका इतना पैसा आया है, ना पेपर बिल डिलीवर हो रहे हैं, ना आपकी साइट्स एलजी मनोज सिन्हा साहब अपलोड हो रही हैं, ना कहीं से कोई हिसाब किताब आ रहा है। इतना एनआरकी, इतनी धांधली बिजली विभाग में हो गई है, इतनी हमने पिछले 70 सालों में नहीं देखी। ये 10 साल की आपकी कारगर्दगी बीजेपी की हमने देख ली। हमारे ऊपर लगान, जजिए, बिजली की प्राइवेटाइजेशन, स्मार्ट मीटर, घर बैठ के ही रिचार्ज मीटरिंग कर दी। अरे हमारा और आपका, बिजली विभाग का और कंज्यूमर का कौन सा एग्रीमेंट हुआ है कि रिचार्ज सिस्टम का? हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है कनेक्शंस के समय, बिजली के कनेक्शन के समय, वो ये है कि आप हमें बिजली देंगे, हम आपको पूरा पूरा किराया देंगे। लेकिन आज तो ये इतनी एनआरकी, इतना डिफंक्ट हो गया है बिजली विभाग कि आज पता ही नहीं चल रहा हम किराया दे रहे हैं, कहां जा रहा है, कोई रसीद नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई एसएमएस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, ना कोई एसएमएस आता। और गरीब लोगों के जेबों के ऊपर, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जेबों के ऊपर डाका डाला है बिजली की प्राइवेटाइजेशन। ना तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को आने वाले समय में
बिजली विभाग में कोई नौकरी मिलेगी, ना कोई AEE, XEN, JEE, लाइनमैन तक भर्ती नहीं होंगे। और यही PHE विभाग में भी JEE की शॉर्टेज हो गई है। आज जब हमने कई दिनों से पानी नहीं सप्लाई जम्मू शहर में और गांधीनगर में पता किया, तो उनके जो विभाग के ऑफिसरान थे उन्होंने कहा कि JEE नहीं है हमारे पास कई वार्डों में। बताइए LG साहब, ये आपकी कारगर्दी है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है PHE और PDD डिपार्टमेंट के बीच में। आपने आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि आप भी इसका स्टिंग ऑपरेशन करें, PHE डिपार्टमेंट का और PDD डिपार्टमेंट का, और स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर्स का स्टिंग ऑपरेशन करें इनके दफ्तरों के ऑफिसर्स ने। और कहां के पैसा जा रहा है, कौन जमा करवा रहा है, कितना पैसा किसको गया,